अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली है रिस्पायरेटरी सिस्टम। कोई भी सिस्टम हमेशा डायरेक्ट सिस्टम नहीं बनता। हम सिस्टम की बात करें तो सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स, और ऑर्गन कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और आज हम एक सिस्टम को पढ़ रहे हैं, डेट विल बी रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है बेसिकली? रिस्पायरेशन की या रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। बेसिकली ये एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है। ये क्या है? ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को टेकिन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट किया जाता है। बेसिकली रिस्पायरेशन एक ऐसा तरीकाकार है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। सो वी कैन से डैट रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। दैट विल बी रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी कंपल्सरी फॉर अस एंड बेटा जी इट्स ऑल्सो अथेंटिक पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। हम रिस्पायरेशन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी में, क्योंकि परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है रिस्पायरेशन से ओनली एट डेथ। अगर हमें परमानेंटली हमें रिस्पायरेशन ना हो, मतलब हमें सांस लेने का प्रोसेस ना चल रहा हो, सांस ना अच्छे से आ रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना आ रही हो, तो बेटा जी ये परमानेंट जो स्टॉपेज होती है रिस्पायरेशन की, ये हमें डेथ तक ले जाती है। मतलब ये इंसान को मौत के मुँह तक ले जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे फेज़। इसके टू फेजेज हैं बेसिकली। रिस्पायरेशन को फर्दर टू फेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेट इज़ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग जब एयर इंटर होती है लंग्स में फ्रॉम एटमोसफेयर से, तब डिस्कस किया जाता है। एक्सपायरेशन में हम जब एयर छोड़ दी जाती है लंग्स से, तब बात की जाती है। अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेकिंग होती है एयर की, या यूँ कह लें टेकिंग इन एयर इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। बेसिकली इंस्पायरेशन जो होता है ये रेफर करता है एक्ट ऑफ ड्राइंग इन टू द लंग्स। ये एक्ट ऑफ इन टू लंग्स। अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की तो एक्सपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का कि जिसमें हम यूँ कह लो कि आउट ऑफ एयर होता है। यहाँ पर एक्सपायरेशन रेफर किया जाता है एक्ट ऑफ रिलीजिंग एयर को फ्रॉम लंग्स थ्रू द नोज एंड माउथ। दैट विल बी एक्सपायरेशन। हमने डिस्कस किया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को। बेसिकली जब हमारे पास इंस्पायरेशन थी वो एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें टेकिंग ऑफ एयर होती है, या फिर ये कह लें कि रेफर करता है एक्ट ऑफ ड्राइंग एयर इन टू द लंग्स। जबकि एक्सपायरेशन में हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर होती है, या फिर यूँ कह लें कि एक्सपायरेशन रेफर करता है एयर को रिलीज करता है थ्रू फ्रॉम लंग्स टू द माउथ एंड एनस नोज। बेटा जी नोज और माउथ के जरिए इसको रिलीज करता है और इसमें बेटा जी टेकिंग करता है, ऑक्सीजन को इंटर करता है लंग्स की तरफ माहौल से। फर्दर है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। बेटा जी हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है हम अंदर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल जब आ जाएगा तो हम बाहर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की तो इसमें जो इन्वॉल्व्स होती हैं वो चेंजिंग का काम कर रही होती हैं बेसिकली रिस्पायरेशन गैसेस। ये चेंज कर रही होती हैं रिस्पायरेशन गैसेस को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में। बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ये उनमें चेंजिंग का काम कर रही होती है रिस्पायरेशन गैसेस। इंटरनल रिस्पायरेशंस में ये इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंजेस का काम होता है तब्दीली का, वो इंटरनल रिस्पायरेशन में होता है। ये था हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, फर्स्ट एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल। एक्सटर्नल में हमारे पास चेंजिंग होती है रिस्पायरेशन गैसेज की,
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान लंग्स और ब्लड के, जबकि इंटरनल में जो है हमारे पास एक्सचेंजेस होते हैं गैसेस की ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान। अब डिस्कस करेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो हमारे पास है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी। अपर की बात की जाए तो हम ऊपर वाले पार्ट की बात, लोअर निचले पार्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये कंसिस्ट होते हैं बेसिकली नोज, फेरेंक्स, लाइक गले का जितना भी पार्ट होता है वो सारे का सारा स्ट्रक्चर। लोअर में बेटा जी ये हमारे पास कंसिस्ट होते हैं लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स तक। ये सारे के सारे दोनों हमारे मेन फंक्शन थे। अपर में नोज और फेरेंक्स आ गया और लोअर में हमारे पास लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन की तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है इंस्पायरेशन में डायफ्राम की, जबकि एक्सपायरेशन में ये रिलैक्स हो जाता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। और इसके सेकेंड जो स्टेप है इसमें कंट्रैक्शन डायफ्राम की होती है, रिब्स ऊपर उठती हैं और चेस्ट कैविटी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसमें बेटा जी डायफ्राम रिलैक्स होता है तो बेटा जी जो थ्रैकिक वॉल्यूम या चेस्ट कैविटी होती है डैट विल बी डिक्रीज। यहाँ क्या होगा? इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ थ्रैकिक वॉल्यूम या चेस्ट कैविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह जो होता है साइज ऑफ लंग डिक्रीज होता है, यहाँ एक्सपेंशन होती है लंग्स की, ये फैल जाते हैं। बेटा जी इधर जो होता है प्रेशर इनसाइड लंग्स होता है वो डिक्रीज होता है, जो लंग्स के इनसाइड प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता है, जबकि इस तरफ एक्सपायरेशन में ये इंक्रीज होता है। फर्दर है लास्ट पॉइंट हमारे पास इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म में कि एयर मूव करती है एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ, जबकि यहाँ बेटा जी एयर मूव करती है लंग्स से एलोलाई में, एलोलाई से फिर बेटा जी एटमॉस्फेयर बाहर टेम हॉल में आती है। फर्दर डिस्कस करेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। व्हाट इज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन? पल्मोनरी मीन्स होता है बेटा जी लंग्स, वेंटिलेशन मीन ब्रीथिंग। हम किसी भी मस्नूई मशीन या लाइक ऑक्सीजन मास्क के जरिए हम जो सांस लेते हैं डेट विल बी पल्मोनरी वेंटिलेशन, या ये वो पल्मोनरी वेंटिलेशन में ही आ जाता है। डेफिनेशन की बात करें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एलवेओल्स ऑफ द लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो जो हवा का होता है एटमॉस्फेयर के दरमियान और एलवेओल्स जो लंग्स के होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं लंग्स के अंदर, उनके बेटा जी दरमियान जो कनेक्शन होता है वो हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन में होगा। लंग्स वॉल्यूम क्या है? लंग्स वॉल्यूम जो है बिल्कुल पल्मोनरी वेंटिलेशन के ऑपोजिट है। लंग्स वॉल्यूम में हमारे पास स्टैटिक लंग वॉल्यूम जो है वो एयर को ब्रीथ करता है इंडिविजुअली मुख्तलिफ पार्ट्स में या मुख्तलिफ टाइप्स में, लाइक टाइडल वॉल्यूम टीवी भी बोल सकते हैं इसको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV बोल सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV बोल सकते हैं, रेजिड्यूल वॉल्यूम RV बोल सकते हैं। ये थे हमारे पास स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम की 4 टाइप्स। हम इनको डिफरेंट नामों से पुकार सकते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिड्यूल रिजर्व वॉल्यूम। बेसिकली ये हमारे पास, हम इनको TV, IRV, ERV और RV भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम की तो इसमें हमारे पास जो एयर होती है वो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड दोनों में, नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है बेसिकली हमारे पास, यहाँ मैंने लिखा हुआ है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो होगा 500 ml होगा। फर्दर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की जाए तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जो वॉल्यूम एडिशन होती है बेसिकली वो फोर्सफुली सिर्फ इंस्पायर्ड की होती है और यहाँ नॉर्मल वैल्यू जो होती है 3300 ml है। फर्दर है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में बेटा जी हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 1000 ml। और उसके बाद है रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम जो होता है हमारे पास स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम में उसकी 1200 ml क्या होती है, रेंज होती है। ये था हमारे पास
कि जो स्टेटिक लंग्स के वॉल्यूम हैं उनको फर्दर फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया था। ये थे वॉल्यूम। अब हम डिस्कस करेंगे लंग्स की कैपेसिटी को, इसको भी फर्दर फोर टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंस्पायरेशन, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। इंस्पायरेशन कैपेसिटी को आईसी भी बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी को बीसी भी बोल सकते हैं, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी को एफआरसी भी बोल सकते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी को टीएलसी भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास इंस्पायरेशन कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को कंबाइन किया जाता है और उसके बाद इन दोनों के वॉल्यूम की जो रेंज होती है वो होगी इंस्पायरेशन वॉल्यूम। यहाँ हमने टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम 500 था और हमारे पास इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम 33, हम दोनों को हमने प्लस कर लिया तो 3800 ml हमारे पास रेंज आ गई। अब हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों को प्लस कर लेंगे विद टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की रेंज हमारे पास 500 थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 3300 थी और नॉर्मल वैल्यू जो ईआरवी की थी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 1000 थी। अब हमने इन सबको प्लस करके 4800 ml इनकी वैल्यू निकाल ली। ये था वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी में क्या होता है कि हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके बाद हमारे पास रेजिड्यूल वॉल्यूम और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास रेंज आती है वो क्या होती है, हमारे पास फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम कैपेसिटी, सॉरी फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी हमारे पास 2200 ml आ जाएगी। लास्ट में हमारे पास टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में हम इस सबको इकट्ठा कर लेंगे, टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, रेजिड्यूल। यहाँ हमने ऐसे ही किया, इन चारों को इकट्ठा कर लिया। इन चारों को इकट्ठा करके जो वॉल्यूम निकाला वो है 600 ml। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।